Hey guys, welcome back to my channel and I hope that you all are doing good. So this is Afin Sheikh and I'm back with a new reaction video. So आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाली हूँ वो है यार दुआ. इसमें दीपिका कक्कर इब्राहिम है एंड शोएब इब्राहिम है उनके हस्बैंड. ममता शर्मा का सॉन्ग है ये. सो चलिए फिर देखते हैं इनके इस एल्बम सॉन्ग में यार दुआ इस टाइटल को लेकर क्या स्टोरी दिखाई है और कैसा सॉन्ग है. ओके गाइज, सो लेट्स सी द वीडियो एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. कितना अच्छा सीन लग रहा है. इश्क जब छू जाता है तुम यादें फिर ना फिकर होए लंबा जा तो आखिरी सांस में लंबे याद का जिक्र होए. ताज न पूछे तख्त न पूछे और न पूछे जात इश्क कोई किताब दिल लगाया यार से ते की करना है हिसाब. हो पढ़नी इश्क पढ़ाई आपे इस दिन कोई किताब दिल लगाया यार से ते की करना है हिसाब. इश्क ता घर बार भुलावे रात दिन कहीं चैन ना आवे दिल नु बस यही बात सतावे कदी भूल ना जावे यार यार दवा यार दुआ. इश्क दी जद लग जाए हवा यार दवा यार दुआ. इश्क दी जद लग जाए हवा यार दवा यार दुआ. इश्क दी जद लग करो. प्लीज 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 चुप. ज्यादा उड़ो मत समझे. चल गहरा दरिया इश्क दासी जाना है उस पार ओथे साडा यार सी जीदा करना है दीदार. हो गहरा दरिया इश्क दासी जाना है उस पार ओथे साडा यार सी जिदा करना है दीदार. दुनिया सारी खोटी लगदी इश्क दे अग्गे छोटी लगदी यार दी सूरत चोखी लगदी दिल कहना हर बार यार दवा यार दुआ. इश्क मुझसे नहीं होगा नहीं आती मुझे यार दवा यार दुआ. इश्क दी जद लग like our video. Please like and share and subscribe One Music Originals. मस्त है, मस्त वीडियो था सीरियसली. मतलब लड़ाई से शुरुआत हुई और प्यार पर खत्म हो गई. गुस्से का चेहरा था वहां से शुरुआत हुई फिर हंसते हुए चेहरे पर जो है मुकम्मल हुआ ये सारी चीजें. वाह क्या उर्दू बोली मैंने, वाह वाह वाह. ओके सो इसमें जो छोटी सी नोक झोंक बताई है
एक प्यार सी प्यार भरी लड़ाई जो बताई है वो बहुत अच्छी लगी, बहुत क्यूट लगते हैं माशाल्लाह दोनों भी, टच वुड माशाल्लाह नज़र में लगे, दोनों भी बहुत अच्छे लगते हैं साथ में। एंड दोनों हस्बैंड वाइफ का ये एल्बम सॉन्ग सीरियसली इट्स अमेजिंग। एंड जो इसकी सिग्नेचर लाइन है, यार दुआ इश्क की जब लग जाए हवा, तो या ऐसे ही कुछ रहता है, आप लोगों को पता ही होगा जो इश्क में पड़े। तो इसमें सीन्स काफ़ी अच्छे लिए गए हैं एंड मुझे सीरियसली बहुत पसंद आया। अगर मैं रोमांटिक सॉन्ग्स में से या कुछ अच्छे सॉन्ग्स में से अगर कोई सॉन्ग्स सुनना चाहूँ तो मैं यही सुनूंगी। ममता शर्मा की वॉइस मुझे सीरियसली बहुत प्यारी लगती, बहुत अच्छी लगती माशाल्लाह, टच वुड बहुत बहुत अच्छी वॉइस थी। सिंगर ने भी बहुत बहुत ही अच्छा लिरिक्स एंड जितना भी इसके अंदर लाइन थी बहुत ही अच्छी गाई है, बहुत प्यारी मीठी सी आवाज़ थी। हमेशा मुझे दीपिका कक्कर की एक्टिंग जो है बहुत अच्छी लगती है, मैंने खुद लाइव देखा है जब मैं ससुराल सिमर का के सेट पर थी, मेरा नर्स का कैरेक्टर था जिसमें मैं अपने रूम में थी एंड जो दीपिका मैम थे वो अलग ही अपने जो है दूसरे सेक्शन में थे एंड वहाँ से इतनी जोर जोर की आवाज़ आ रही थी रोने चिल्लाने की, तो उनका वो कैरेक्टर जो है वो एक्टिंग उनकी चल रही थी, इतनी रियल एक्टिंग और इतना ज़्यादा हार्डवर्क रहता है, इतना दिल लगा के ये जो है अपनी कैरेक्टर को पूरा कंप्लीट करते हैं और इतना ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये मैंने लाइव देखा है। तो इसके अंदर भी मैंने देखा एक्टिंग एकदम रियल थी, रियलिस्टिक एंट्री थी, बहुत ही मज़ा आया मुझे। सो आई होप आप लोगों को मेरा रिएक्शन इस पर अच्छा लगा होगा और क्या ही बोलूँ, मैम स्पीचलेस अबाउट दिस सॉन्ग एंड मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ओरिजिनल वीडियो का जो चैनल है उसको जाकर सब्सक्राइब करो, उनके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल पर न्यू हो तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। अदरवाइज मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।